भगवान राम ने बैंड लगा दी थी और सारी पुलिस अयोध्या की पुलिस के नाक में दम कर दिया था। क्या बैंड लगाई कि कोई हंसे तुरंत एफआरआई फाड़ो, कोई भी हंसता हुआ दिखे एफआरआई कर दो। पुलिस के नाक में दम कर दिया, पुलिस भी हंसे तो उन पर भी, आईजी डीआईजीपी सब पर कानून, मंत्री महामंत्री कोई भी हंसेगा तुरंत एफआरआई दर्ज। क्यों? के राम और रावण का युद्ध था और रावण को शिवजी से वरदान था। रावण ने वरदान मांगा था कि मेरा सिर कोई काटे तो तुरंत लग जाए, हाथ कटे तो लग जाए, तथास्तु भोला बाबा ने कह दिया। तो राम जी कस के तीर मारे, सिर कट जाए, हंसता हुआ सिर आकाश में फिर नीचे आ जाए, तब तक दूसरा आ जाए। फिर राम जी उनको काटे, फिर वो कटा हुआ सिर राम जी की मश्करी करता हुआ। तो अयोध्या में राज सिंहासन पर राम जी आते ही उत्सव था, तो कोई हंसे तो राम जी ने पहला कानून पारित कर दिया कि अयोध्या में हंसी पर बंदश लगाई जाती है, इसका कोई भी उल्लंघन करेगा तो चाहे मंत्री हो, महामंत्री सुमन हो, चाहे लखन भैया हो, चाहे राम खुद हो, राम जी अपने को राम बोलते थे, उन पर भी वही कानून लगेगा जो प्रजा पर लगेगा। अब सुननी कथा इस ब्रेक के बाद, सुनना पड़ेगा ये कथा। बैंड लगा दी, एक दिन दो दिन पांच पच्चीस दिन कुछ महीने की कतारें भी थी, लेकिन हंसी पर बैंड लगी। और राम राज्य में तो ऑफिसर ये वो सब बड़ा तगड़ा अनुशासन था, देश परदेश में पैसे चुरा कर जमा करने वाले मंत्री तो थे ही नहीं उस समय। ईमानदार मंत्री अनुशासित हो गए तो उनके नीचे के ऑफिसर भी अनुशासित, तो प्रजा भी अनुशासित। लेकिन परिणाम बहुत विचित्र आया, लोगों की हंसी चली गई तो लोग मायूस रहने लगे, उदास रहने लगे, अस्वस्थ रहने लगे। ये मनुष्य को ही तोहफा मिला है, स्मित हास्य देव, मानव हास्य देव, दानव हास्य, ऋषि हास्य, योगी योगेश्वर हास्य, अट्टा हास्य, मलकाने का हास्य, कई प्रकार के हास्य मनुष्य को मिले। और प्राणी नहीं हंस सकता है। हाँ, कुत्ता अपनी खुशी व्यक्त करता तो पूंछ हिलाएगा और बहुत बहुत हंसेगा, नहीं मनुष्य की नहीं। भैंस भी खुश होगी
माँ चौकड़ी मार के दौड़ेगी, हंसेगी, सिंग हिलाएगी, हंसेगी नहीं, कुद भात खा देगी। मनुष्य हंस सकता है, हंसी पर दबाव पड़ गया, नियंत्रण आ गया। लोग देवी देवताओं को अपने अपने इष्ट को पुकारने लगे। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मेरे आदि नारायण का आदेश है, राम जी का, मैं कैसे उसका उल्लंघन करूं। लेकिन हास्य तो मनुष्यता के लिए वरदान है। इस पर राम जी ने रावण के कारण नियंत्रित कर दिया, कुछ उपाय तो मुझे करना ही चाहिए। ओम आदि देविक तो थे, सीधे अध्यात्म में चले गए और अध्यात्म से प्रेरणा मिल गई। अयोध्या में जो मुख्य मार्ग जाता था जंगल आदि से, जहां लोग तनिक विश्राम करके राज्य में प्रवेश करते थे, अयोध्या में पीपल का वृक्ष और विश्राम स्थली थी। दोपहर की शांत अवस्था थी। कठियारा विश्राम करके जो उठा, ब्रह्मा जी पीपल में प्रविष्ट होकर कठियारा उठता है तो ब्रह्मा जी पीपल के वृक्ष से हंसे। पीपल के वृक्ष में तो देवता लोग अथवा कई आत्माएं घुस जाती, और कई वृक्षों में भूत पिशाच आदि भी होते हैं, इमली आदि में और कई में, आदि देविक शरीर आदि भौतिक में गति कर सकता है। जो ही लकड़ा ताजा होकर उठा विश्राम बाग, तो ब्रह्मा जी ने हंसी छलकाई। हंसी कहां से आ रही? कई महीनों की दबी हुई हंसी कठियारा के अंदर से उछली। कौन हंस रहा है? गया, रास्ते में मिला द्वारपाल, तो हंसी याद आ गई। द्वारपाल को देखकर कठियारा हंसा। तो द्वारपाल भी हंसा और बोलता कि क्यों हंसते हो? बोले तुम भी तो हंसते हो। बोले तुम हंसते हो इसलिए? बोले मैं हंसता हूं तो क्या, तुम क्यों हंसते हो? दो आदमी की हंसी देखकर चार आदमी और मिल गए, छह हंसे, छह को देखकर दस बारह और हंसे। ऐसे करते 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 अब समय नहीं, मैं जल्दी पहुंचाता हूँ, पूरी अयोध्या में हंसी आग की नरे, हंसी फैल गई तूफान की नाई। और सब हंसते हंसते महाराज सिपाहियों ने देखा कि हंसी पर बंदिश है, लेकिन ये हंसते में यार क्या करूं? अरे तू क्यों हंसता है? तू थारे नारे। बोले साहब क्या करें, आप भी तो एसपी साहब हंस रहे। अरे मैं एसपी हूं तो क्या हूं? डी आई जी साहब आ जाएंगे। डी आई जी बोले अरे क्यों हंस रहे हो पागल? क्यों हंस रहे हो वसी साहब? तुम पूछ रहे हो तो भी हंस रहे हो, अब हम जाए तो ऐसे करते करते के बड़े आला ऑफिसर आए। यार तुम क्यों हंसे हो साहब? ऐसा पूछने का तरीका है इसका? अरे तरीका तो नहीं है, लेकिन हंसी किसने चालू की बता दो। ये खूब हंसी कहाँ के? अरे साहब रुकी हुई थी। न जाने किसने चालू कर दिया। अरे साहब आप तो डीजी साहब हो, साहब आप बड़े साहब हो। अरे बड़े साहब है लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोग चुप रहो यार। अरे साहब आप चुप कराते, हंस रहे हो। गृह मंत्री को पता चला, गृह मंत्री बोले अरे पागलों क्या कर रहे हो? अरे साहब पागलों को गल बताओ, आप क्यों हंस रहे हो? मंत्री पर मंत्री ऐसे करते करते सारी अयोध्या महाराज आखिर राम जी तक राम जी तक बात पहुंची कि प्रभु आपके बनाए हुए कानून को लोगों ने छत पर फेंक दिया और सभी हंस रहे। क्या बात है, कैसे? जाओ जरा सुमन पता लगा। सुमन पता लगा, हम भी हंस रहे, हम पता लगा दिया है। तुम लोग हंस रहे हो, प्रभु का भेजा हो। इतने सारे हो, मैं आपको वैज्ञानिक सत्य बताता हूं कि 10 तंबूरे ले आओ, 9 तंबूरे आप बजाओ,
दसवां तंबूरा खाली दीवार के सहारे खड़ा कर दो, नौ तंबूरे रिमझिम करेंगे तो दसवें की तारों में वाइब्रेशन चालू हो जाएंगे। जड़ तंबूरे वाइब्रेट हो जाते तो ये चेतन चुप कर रहे मैं आपको बोलता हूं मत हंसिए ए माया इधर मत देखो मत हंसो बापू रे क्या जादू है जो उदास हो ना उसको ये कैसेट दिखा देना जो भप्पू बना के रहता हो नहीं हूं अब कितना खून बड़ा होगा तुम्हारा तुम जानो, श्वेत कण कितने बड़े होंगे तुम जानो, लेकिन असली पर बंदिश है बंदिश कहने वाले बंदिश तोड़ रहे हैं, अब क्या करें, जाए तो जाए कहां। और आज हनुमान जी के स्वामी राम गंभीर होकर लक्ष्मण भरत जाओ पता लगाओ, ये नियम का उल्लंघन शुरू किसने किया, पता लगाते लगाते पता चला कि कठियारा बंदा है। कठियारा से पूछा क्या हुआ, बोले प्रभु क्या कहूं, चुप रहो हाँ से कहां से, बोले कहां से हंसी, वो बोलते ही हंसी नहीं रुकी जाती, प्रभु क्षमा करें धैर्य रखो राम राज्य है, मैं लक्ष्मण हूं और ये भरत भैया है मेरे अनुज, बताओ कहां से हंसी, मैं थका थका आया था पीपल के पेड़ के नीचे मुख्य द्वार पर विश्राम किया, जब मैं उठा है बोल उठा तो फिर क्या हुआ क्या हुआ, याद करते ही हंसी आती है पीपल में से हंसी निकल पड़ी फिर मैंने द्वारपाल को देख वो हंस पड़ा, वो ऐसे करते करते चल पड़े वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, वया जादूहणी मुझे तन में जोगी, तिन सामन खेत संभारिया पई करे याद उनन जी करे याद उनन जी खिलणी करे याद उनन जी रहमत के मावर वर ओडों निहारिया पई, हण याद उनन जी बाकिया वो हरदम मुसा साथिया, अब तो याद बाकी और हरदम मेरे साथ में, अब मैं करूं तो क्या करूं। भरत लक्ष्मण ने कहा चलो वो पीपल दिखाओ, गए पीपल के आगे, प्रभु जी यही देवता है, ब्रह्मा जी ने देखा अब राज दरबार तक पहुंच गई है मेरी सेवा। भरत लक्ष्मण पीपल में जो कोई है, राम जी की अवज्ञा करने का दुस्साहस किसने किया है, आई हंसी पीपल में से, भरत और लक्ष्मण भी नहीं नहीं वो एक दूसरे को रोकते हैं और फिर उछल रहे, आखिर अपना बल प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन देखा कि प्रभु के चरणों में जाएंगे ये हमारे वश का नहीं है, प्रभु कोई सामान्य देवी देवता नहीं है, कोई बड़ी हस्ती है, लगता है ब्रह्मा जी है, हनुमान जाओ अवज्ञा किसने की, हनुमान जी गए और हनुमान जी को तो आपने महाभारत में देखा है, रामायण में हनुमान जी का थे रामायण सीरियल में, गदा को भी दबाते हैं और अपने को भी दबाते हैं। अगर इस वृक्ष में कोई राम जी की अवज्ञा करता है तो मैं हनुमान जो ही दम मारते हैं, तो ब्रह्मा जी के सोचते मन में
वायु देवता मेरा बेटा रखना, बेटे का बेटा पोता दादा को दम मारते हैं। हनुमान जी मूर्छित हो गए, आप क्या? थोड़ी देर के बाद हनुमान जी सजाग हुए, प्रणाम किया, प्रभु जी ये तो आप ही का विषय है, हम लोग सब छोटे पड़ते हैं। राम जी ने कहा अच्छा हम देखते हैं, राम जी स्वयं आए। ब्रह्मा जी हंस पड़े, राम जी कहते मुझे हंसाने का प्रयत्न न करो, कौन हो तुम? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश स्तुति की ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना आदि आदि। ब्रह्मा जी ने नम्रता से, बड़ों के आगे अपनी शक्ति नहीं दिखानी चाहिए, नम्रता दिखानी चाहिए। ब्रह्मा जी जानते थे प्रभु सृष्टि का नियम है, मानव को ये तोहफा मिला है, 84 लाख योनियां पूरे होने के बाद मनुष्य योनि है, वहां से सभी रास्ते फूटते हैं, उसी को ये तोहफा दिया है। वही मनुष्य आपको अवतरित भी कर देते हैं, आपके माता पिता भी बन जाते हैं। ऐसे मनुष्य से हंसी रावण के निमित्त अगर छीन ली जाए तो कितना उचित होगा, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। राम जी ने कहा ब्राह्मण तुम ठीक कहते हो, अब तो तुम भी हंसो। ब्रह्मा जी हंसे और राम जी भी हंसे। राम जी हंस गए, हो गए केल केस फाइल हो गए कि नहीं हो गए।